हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं, मर्जर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मर्जर हो रहा है उसके ऊपर है। जो आप जानते हैं कि जैसा 5 एसोसिएट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ठीक है, ये 5 एसोसिएट बैंक है एट प्रेजेंट, जिसकी मर्जर होने वाली है आपकी 1 अप्रैल 2017 को। इससे पहले भी मर्जर हो चुका है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अब 2010 में। ये जो 5 बैंक है इनमें सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है। और स्टॉक एक्सचेंज में बात करेंगे, जो मार्केट में शेयर फ्लो करता है उसमें स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के शेयर्स फ्लो करते हैं। वो सभी शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में के शेयर में। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का शेयर फ्लो नहीं करता है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। बेनिफिट जो होगा आपको मर्जर जब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो SBI है, सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि उसको कॉम्पिटिशन नहीं फेस करना पड़ेगा अपने ही सब्सिडरी से। अपने सब्सिडरी का मतलब है कि अपना ही ऑर्गेनाइजेशन से उसको कॉम्पिटिशन था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है, पता चला एक ही लोकेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी खोला है, उसी के बगल में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी, उसी के बगल में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, उसी के बगल में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर भी है। तो जो कस्टमर जाता है तो उसे ये समझ में नहीं आता मैं कौन से बैंक में जाऊँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाऊँ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में जाऊँ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में जाऊँ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जाऊँ। और घुमा फिरा के इनको कॉम्पिटिशन भी होता है। कोई कस्टमर जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये बोलता है कि बगल वाली जो बैंक है आपकी, स्टेट बैंक जो है पटियाला की है, चाहे हैदराबाद की है, चाहे आपकी मैसूर की है, वो हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है या चाहे हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहा है। तो इसको बेसिकली कॉम्पिटिशन फाइट होता है स्टेट बैंक को। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि उसको अपने कॉम्पिटिशन से, उसको कोई कॉम्पिटिशन अब नहीं मिलने वाला, कॉम्पिटिशन फ्रॉम इट्स ऑन सब्सिडरी खत्म हो गया। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल NPA एज एसोसिएट बैंक इज हैविंग लेस NPA एज कम्पेयर टू डेट ऑफ SBI। जो एसोसिएट बैंक है उनकी बैंकिंग अच्छी है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि NPA आपको यहाँ पे कम मिलेगा एसोसिएट बैंक में जो आप SBI के मुकाबले। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सिंगल मैनेजमेंट होगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में, तो वहाँ का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, फिर उसका जो अप्रूवल होने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल होकर हमारे मैनेजमेंट के पास है, बहुत टाइम लगता था। अब एक सिंगल चेन रहेगा तो सिंगल मैनेजमेंट है, आपको आसान है। फिर सिंगल रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी देयर। अब क्या होता था पहले, हर एक एसोसिएट बैंक का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वो भी हट जाएगा, तो सब जगह एक सिंगल नियम कानून लगेगा, इससे सभी जगह आपको बेनिफिट होगा। और सबसे खास बात क्या है कि ज़्यादा गुड नंबर ऑफ ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज जो है एसोसिएट बैंक की बंद होने वाली हैं, क्लोज हो जाएंगी उसी लोकेशन में जहाँ मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। मान लीजिए कि आपको एक ही लोकेशन में, जैसे पॉश एरिया लेंगे, जैसे आप मान लीजिए अगर आप चले जा रहे हैं, मान लीजिए नेहरू प्लेस जाते हैं, तो आप देखिएगा वहीं बगल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो बगल में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर भी है, बगल में ही है आपको दिख जाएगा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इतनी सारी ब्रांचेस के रखने का मतलब नहीं है, तो ओवरलोडिंग होगा प्लस ओवर स्टाफ, ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे, मतलब वो एक तरीके का अननेसेसरी ब्रांच क्रिएट करना होगा। ठीक है, जब ब्रांच बैंक ही सेम है तो ब्रांच क्यों हम लोग ज़्यादा बनाएंगे। तो यहाँ ये पॉलिसी है कि जितनी ज़्यादा मतलब जो ब्रांचेज है वो ऐसे लोकेशन में जो खुली हुई है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंस है, वहाँ पर सारी ब्रांचेज बंद कर देंगे, इसका बोलने का ये लोकेशन है। और 1 अप्रैल 2017 से सारी की सारी इंटरनेट बैंकिंग जितनी भी एसोसिएट बैंक की सब रिडायरेक्ट हो जाएगी www.onlinesbi.com पे। धन्यवाद, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अपडेट दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू।